नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सर्वनु तमारी पोतानी यूट्यूब चैनल में। आज आपने धोरण पांच ना हिंदी विषय ना गाला स्वाध्याय पोथी ना पाठ नंबर 10 नू संपूर्ण सॉल्यूशन अपने आ वीडियो में जोशु। अपने आ चैनल में गाला स्वाध्याय पोथी ना बधाज पाठ ना सॉल्यूशन नी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली जशे। तो चलो अपने शुरू करिए धोरण पांच ना हिंदी विषय ना गाला स्वाध्याय पोथी ना पाठ नंबर 10 नू सॉल्यूशन। जो विद्यार्थी मित्रों धोरण पांच ना हिंदी विषय ना गाला स्वाध्याय पोथी ना पाठ नंबर 10 नो वीडियो तमे तमारा मित्रों ने दोस्तों ने जरूर थी शेर करजो। जोईए आपणे तेनु सोल्यूशन। प्रश्न नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, हमेशा हंसते रहने की सीख खाली जगह देता है फूल। नंबर 2, विनम्र होकर रहने की सीख खाली जगह देती है पेड़ की डाली। नंबर 3, जगने और जगाने की सीख हमें खाली जगह देता है सूरज। नंबर 4, स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख खाली जगह देता है मछली। नंबर 5, हमेशा उन्नति करने की सीख हमें खाली जगह देता है धुआं। प्रश्न नंबर 2, सही वाक्यांश चुनकर रिक्त विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, हवा के झोंके कहते है कि। जवाब आवशे ब, कोमल भाव बहाते रहो। नंबर 2, दूध तथा पानी कहते है कि मिलो और मिलाते रहो। नंबर 3, लता और पेड़ कहते है कि सबको गले लगाओ। नंबर 4, जलधारा कहती है कि जीवन पंथ में आगे बढ़ते रहो। नंबर 5, दीपक कहता है कि अंधेरा हरते रहो। नंबर 6, पृथ्वी कहती है कि सच्ची सेवा करो। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़े मिलाइए अविभाग अने बविभाग। जोइए नंबर 1, फूल तो हंसते रहना। नंबर 2, जलधारा तो जीवन पंथ में आगे बढ़ना। नंबर 3, मछली स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। नंबर 4, पृथ्वी प्राणी की सेवा करना। नंबर 5, दुआ हरदम उन्नति करना। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक दो शब्दों में लिखिए। नंबर 1, हमेशा गाते रहने के सीख कौन देता है भोरो। नंबर 2, अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा कौन हरता है दीपक। नंबर 3, हरदम ऊंचे चढ़ने की शिक्षा किससे मिलती है दुआ। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, पानी जल नीर। नंबर 2, फूल पुष्प सुमन। नंबर 3, सूरज रवि भानु। नंबर 4, भौरा मधुकर भौरा। नंबर 5, पृथ्वी धरा अवनी। नंबर 6, वायु हवा पवन। प्रश्न नंबर 6, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, फूलों से नित हंसना सीखो खाली जगह से नित गाना भोरो। नंबर 2, सीख हवा के खाली जगह से लो कोमल भाव बहाना झोंको। नंबर 3, लता पेड़ों से सीखो खाली जगह गले लगाना सबको। नंबर 4, मछली से सीखो खाली जगह के लिए तड़प कर मरना स्वदेश। नंबर 5, खाली जगह के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना पतझड़। नंबर 6, पृथ्वी से सीखो खाली जगह की सच्ची सेवा करना प्राणी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है। लता और पेड़ों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सबको प्यार से गले लगाना चाहिए। नंबर 2, सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं। सूरज की किरणों से यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। नंबर 3, दुख में हमें क्या करना चाहिए। दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। नंबर 4, धुएं से हमें क्या सीख मिलती है। धुएं से ऊंचे चढ़ने की सीख मिलती है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। नंबर 1, नीत शीष कोमल अंधेरा प्राणी जीवन। तो ये सब प्रथम आवशे अंधेरा कोमल जीवन नीत प्राणी अने शीष। नंबर 2, क्षमा कौवा पिता आग आदमी तोता। तो यहाँ आवशे
આગ, આદમી, કૌવા, ક્ષમા, તોતા અને પિતા. પ્રશ્ન નંબર 9, નિમ્નલિખિત મહાવરો કે અર્થ લિખકર વાક્યો મેં પ્રયોગ કીજે. નંબર 1, શીશ ઝુકાના, વિનમ્ર હોના, હમ ઘડી કે આગે શીશ ઝુકાના ચાહીએ. નંબર 2, કોમલ ભાવ જગાના, સુંદર વિચાર પ્રગટ કરના. વાક્ય બનશે, ફૂલ હમારી મન કે કોમલ ભાવ જગાતે હે. નંબર 3, ગલે લગાના, પ્રેમ કરના, અપનાના. ગાંધીજી મેં સબકો ગલે લગાયા. નંબર 4, ધીરજ ધરના, ધૈર્ય રખના. હમે દુઃખ મેં ધીરજ ધરની ચાહીએ. નંબર 5, ઊંચે ચઢના, ઉન્નતિ કરના. હમ જીતની મહેનત કરેગે ઉતના ઊંચે ચઢેગે. પ્રશ્ન નંબર 10, કવિતા શ્રી નિમ્નલિખિત ભાવાર્થ વાલી પંક્તિયા ઢૂંઢ કર લિખીએ. નંબર 1, સુખ હો યા દુઃખ હો, હમે હંમેશા હસતે રહેના ચાહીએ. ફૂલો સે નિત હસના સીખો. નંબર 2, હમે હરેક પ્રાણી કી સેવા કરની ચાહીએ. પૃથ્વી સે સીખો પ્રાણી કી સચ્ચી સેવા કરના. નંબર 3, હમે સદૈવ પ્રગતિ કરની ચાહીએ. ધુએ સે સીખો હરદમ ઊંચે હી ચઢના. નંબર 4, હમે સબસે હિલ મિલકર રહેના ચાહીએ. દૂધ તથા પાણી સે સીખો મિલના ઓર મિલાના. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 11, શીખ ઓર પ્રકૃતિ કે તત્વો કી સહી જોડે મિલાઈએ. જોઈએ અહીં અ અને બ. નંબર 1, કોમલ ભાવ બહાના, હવા. નંબર 2, જગના ઓર જગાના, સૂરજ કી કિરણે. નંબર 3, સબકો ગલે લગાના, લત્તા ઓર પેડ. નંબર 4, અંધેરા હરના, દીપક. નંબર 5, મિલના ઓર મિલાના, દૂધ ઓર પાણી. નંબર 6, ગાતે રહના, ભોરા. નંબર 7, દુઃખ મેં ધીરજ ધરના, પતઝડ કે પેડ. પ્રશ્ન નંબર 12, નિમ્નલિખિત વાક્યો મેં રેખાંકિત શબ્દો કા સ્વર ભાવ દેખ કર પઢીએ. નંબર 1, મેરે જન્મદિન પર દોસ્તોને મુજે ઉપહાર દિયા. તો નંબર 1, મેરે જન્મદિન પર દોસ્તોને મુજે ઉપહાર દિયા. તો મેરે હિ જન્મદિન પર ઓર કિસી કે નહીં. નંબર 2, મેરે જન્મદિન પર દોસ્તોને મુજે ઉપહાર દિયા. જન્મદિન પર હિ ઓર કિસી દિન નહીં. તેવી રીતના અહીં નંબર 3 આપેલું છે. ત્યાર પછી નંબર 4 અને નંબર 5. ત્યાર પછી નંબર 2 ઉપર કિસાનને બેલ કો રસ્સી સે કસ કર બાંધા. નંબર 3, હમીદાને અનિલ કો મીઠા દૂધ પીલાયા. ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 13, કાવ્ય પંક્તિયા પૂર્ણ કીજે. જલધારા સે સીખો આગે જીવન પંથ મેં બઢના. ઓર ધુએ સે સીખો હરદમ ઊંચે હી પર ચઢના. તો ફરી મળીશું આપણે ધોરણ 5ના હિન્દી વિષયના ગાલા સાથે પોથીના પાઠ નંબર 11ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. આપણી આ ચેનલને લાઇક કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. આ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો વોટ્સએપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાઈ જજો.